हेलो स्टूडेंट, मैं इसके लिए स्वागत करता हूँ आपका मैथ्स के इस सीरीज में, ऑब्जेक्टिव सीरीज में। जैसा कि स्टूडेंट, ये क्लास टेंथ की जो आने वाली परीक्षा है फरवरी माह में, जो कि 17 फरवरी से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, जिसमें फर्स्ट डे आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रहेंगे, लेकिन इसमें से आपको मात्र 50 प्रश्नों का जवाब देना है। तो इसलिए हमने आपके सामने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का श्रृंखला लाए हैं। इसमें 25-25 प्रश्न करके 4 वीडियो आएंगे, और इस तरह से आपके 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे, जिसमें से क्वेश्चन जो है आने की संभावना रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त संख्या है। तो जो संयुक्त संख्या है और सबसे छोटी संयुक्त संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि संयुक्त संख्या क्या है। तो संयुक्त संख्या वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित होता है। स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित होता है, अन्य संख्या से विभाजित होता है, वही आपका कहलाता है संयुक्त संख्या। तो इसमें से देख लीजिए, संयुक्त संख्या या आप ये समझ सकते हैं भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी इसमें जो भाज्य संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4। क्योंकि देखिए, 4 जो है एक मतलब कि एक से कटेगा, और स्वयं मतलब कि 4 से कटेगा, इसके अलावा अन्य संख्या से भी कटेगा। वो अन्य संख्या कैसे कटेगा? 2 से कटेगा। लेकिन 2 जो है एक और 2 के अलावा किसी से कटेगा नहीं, तो एक अभाज्य संख्या है। जबकि 3 भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 और 3 के अतिरिक्त अन्य संख्या से नहीं कटता है। और 1 न तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो आपसे पूछा जाए यदि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो हम बोलेंगे 2, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या संयुक्त संख्या पूछा जाएगा तो बोलेंगे 4। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में है आपका कि पाई एक कौन सी संख्या है। तो इसके बारे में जो हम ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे थे, उसमें हम आपको जब प्राकृत संख्या से संबंधित जो क्वेश्चन बताए थे, उसमें ये प्रश्न हम दिए थे कि पाई एक कैसी संख्या है। यदि आप इसे पहले चैप्टर वाइज बनाए गए वीडियो नहीं देखें तो अवश्य आप देख लीजिएगा। तो पाई एक कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का चुनाव करना है। ये देखिए, √3/12 ऑप्शन नंबर ए है आपका। अगर इसको काटिएगा तो 3 1 3 और 3 4 हो जाएगा, इसको बाहर निकालने पर 1/2 हो जाएगा, मतलब ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ये √2/10 है आपका, ये ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर अगर इसको काटते हैं 2 5 10 और 2 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √1/5, जिसमें 1 तो रूट से बाहर आ जाएगा बट 5 रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये जाएगा 1/√5। तो 1/√5 एक अपरिमेय संख्या, और आपसे कहा क्या जा रहा है कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2/√2/10। यहाँ पर देख लीजिए, अगर ऑप्शन नंबर सी देखिएगा तो 7 से 7 1 से कट जाएगा और ये परिमेय हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी में है √2/√2, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि 2 संख्याओं के लसा तथा मौसा बराबर है तो वे संख्या होंगे। देखिए, इस संख्या का लसा और मौसा दोनों ही क्या है? समान है। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न सब है ये, आप अवश्य अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा, ठीक ना। और यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो लसा और मौसा दोनों ही इसका क्या है? बराबर है। दोनों ही क्या है? बराबर है। जब दोनों बराबर हो तो वह कौन सी संख्या होगी? तो ऑप्शन है एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का जो मौसा होता है वह तो एक होता है, और लसा उसका गुणनफल होता है, तो दोनों एक हो नहीं सकता है। सहअभाज्य संख्या का भी वही कहानी है। यदि आप संयुक्त संख्या बोले तो इसको बोलेंगे एक भाज्य संख्या, इसमें भी नहीं होगा। तो वह संख्या क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर। जैसे देखिए, 4 और 4, इसका यदि आप एलसीएम निकालिएगा तो 4 ही आएगा,
HCF निकालिएगा तो 4 ही आएगा। तो इस तरह से LCM और HCM बराबर होगा जब वे संख्या स्वयं क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कहता है 0.29 में पुनरावृत्ति का चिन्ह है, इसे आपको PYQ के रूप में कन्वर्ट करना है। हमने जब वीडियो बनाया था चैप्टर वाइज तो उसमें हम यह भी बताए थे और पूरा आपको हर तरीका से बताया था, इसलिए आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने क्या बताया था कि ये 29 है तो 29 रहने देंगे, इसमें से अब कोई नहीं घटाएंगे, घटाना होता है जब उस पर किसी पुनरावृत्ति का चिन्ह नहीं होता है तो उसको घटा दिया जाता है। फिर बटा में जाए वो पुनरावृत्ति का चिन्ह है जितने अंक पर उतने 9 नीचे आ जाएंगे, दोगो पुनरावृत्ति का चिन्ह था तो ये 2×9 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया 29/99 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 5 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 ये ऑप्शन ऊपर नीचे है, इसको देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 6, 1 - sin² 60°। अब 1 - sin² 60° और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर, तो ये 1 - 3/4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। LCM इसका ले लेंगे तो LCM हो जाएगा 4, तो ये आपका हो जाएगा 4 से ये 1 1 4 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 - 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/4। अब ये आपका कितना हो गया, 1/4 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका 1, ऑप्शन नंबर बी में है 1/2 और 2 ऑप्शन नीचे है, उसको हम देख लेते हैं आंसर क्या है, 1/4। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में, यह रहा आपका 1/4, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1 - sin² 60° का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत वही होता है यदि कोई संख्या PYQ के रूप में है तो उसका P से कोई मतलब नहीं है, Q जो है वह 2 और 5 के रूप का होना चाहिए, 2×5 के रूप का, 2×5 के रूप का होना चाहिए, 2×5 के रूप का होना चाहिए, P से कोई मतलब नहीं और ये 2×5 के रूप का होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन 2×5 के रूप का है, तो ऑप्शन नंबर ए में 7 ऊपर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन 40 को यदि आप खंडित कीजिएगा, 40 को खंडित कीजिएगा, 2 से लगाएंगे 20, 2 से हो जाएगा 10, 2 से हो जाएगा 5। अब देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, तो जिसके अभाज्य गुणनखंड में केवल आपको 2 और 5 दिखाई देगा, 2×m·5·n के रूप का दिखाई देगा, ये ऑप्शन भी एग्जाम में डायरेक्ट आता है, तो ये आप चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इसका ये जो हो जाएगा ये आपका जाएगा शांत हो जाएगा, ये शांत ऑप्शन नंबर ए, तो 7 का हो गया ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 8 में कहता है निम्नलिखित किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो इससे पहले हम आपको बताए थे शांत, अब आपको पूछा गया है अशांत, तो इस प्रश्न का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 को आपको आंसर जो है एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसमें से कौन सी संख्या जो है वह अशांत है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 9 कहता है 400 की अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना है, बहुत आसान प्रश्न है, 400 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे और उसमें 5 का खंडन देख लेना है। तो यहाँ देखिए 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 200, 2 से लगाएंगे 100, 2 से लगाएंगे 50, 2 से लगाएंगे 25, अब कैसे होगा 5 से ही हो जाएगा 5, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2×1, 2, 3, 4, 2×4 गुना में 5×2, तो ये हो गया। अगर आपसे 2×4 घातांक पूछेगा तो 4 हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछा है 5 का घातांक कितना होगा तो 5 का घातांक हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 देखिए, प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 कहता है यदि 130 = 15×8+10, बिल्कुल सही है, 130 15 8 20 से 10 130 हो जाएगा, ये तो
उसका कह रहा है कि मौसा 130 और 15, मतलब कि 130 और मौसा, 130 और 15 का मौसा जो है वह बराबर है किसके मौसा के, तो एक्स कॉमा वाई, 130 और 15 का मौसा एक्स और वाई के मौसा के बराबर है, तो एक्स और वाई का मान बताना है। तो सबसे पहले तो हम 130 और 15 का मौसा निकाल लेंगे, तो 130 और 15 का मौसा आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 15 130 आठ से लगाइएगा 120, ये हो जाएगा 10, इधर जाएगा 15, एक से लगाइएगा 10, ये हो जाएगा 5, इधर 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 कर जाएगा, तो इस तरह से एस सी एफ कितना हो गया 5, तो इसका एस सी एफ आ गया आपका 5। तो हमको ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसका भी एस सी एफ क्या होना चाहिए 5, तो 15 और 10 का एस सी एफ निकालिएगा, तो 15 और 10 का भी एस सी एफ तो 5 ही होता है, 15 और 10 का भी एस सी एफ कितना होता है, 15 और 10 का भी एस सी एफ 5 होता है, इसे हम निकाल लेते हैं, एक से लगेगा तो हो जाएगा का 10, ये 5, ये 10, 5 टू जो 10 कितना आ गया 5 आ गया, तो इसका भी एस सी एफ 5, इसका भी एस सी एफ 5, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए 15 और 10 का भी एस सी एफ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 अतः रूट अंडर 125 का परिमेयकरण गुणांक है, कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, परिमेयकरण गुणांक 125 का आपसे परिमेयकरण गुणांक पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप ये समझिए पहले कि परिमेयकरण गुणांक क्या होता है, परिमेयकरण गुणांक वह होता है कि उस किसी संख्या में, जैसे मान लें कि रूट 5 एक संख्या है, इस संख्या में हम किससे गुणा करें ताकि यह एक परिमेय संख्या बन जाए, तो जिस संख्या से गुणा करने पर यह एक परिमेय संख्या बन जाएगा वही उसका परिमेयकरण गुणांक कहलाएगा। तो रूट 5 में अगर हम रूट 5 से ही गुणा करते हैं तो बराबर क्या बन जाएगा 5, इसका मतलब जो रूट 5 का परिमेयकरण गुणांक कितना हो गया रूट 5 हो गया, समझ गए होंगे। तो हमसे रूट अंडर 125 का परिमेयकरण गुणांक पूछा जा रहा है, तो 125 का तो सबसे पहले हम खंडन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या 5 से, ये 25, फिर 5 से लगाइएगा 5, दो गो पाँच के बदला में एगो पाँच बाहर एगो पाँच अंदर, 5 रूट 5 हो गया। तो अब इसको हमको क्या करना है, परिमेयकरण गुणांक निकालना है, तो इस ये देखिए 5 तो एक परिमेय संख्या के रूप में है, लेकिन इसको हमको परिमेयकरण के रूप में लाने के लिए इसमें कितना से गुणा करना होगा, तो जस्ट हम बताए हैं रूट 5 को परिमेय बदलने के लिए रूट 5 से गुणा करना पड़ता है, मतलब कि इसमें भी किससे गुणा करना पड़ेगा रूट 5 से, तो इसका परिमेयकरण गुणांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूट 5, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर सी। तो ये आप समझ गए होंगे, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है, तो सह अभाज्य संख्याओं का एस सी एफ कितना होता है 1 होता है, ये सारा चीज़ हम बता चुके हैं जिसमें चैप्टर वाइज जो आपका ऑब्जेक्टिव कराए हैं उसमें सब जरूर देख लीजिएगा। सहभाज्य संख्याओं का एस सी एफ 1 होता है, तो 9 और 16 का एस सी एफ कितना होता है 1 होता है, तो यही हो गया आपका क्या सहभाज्य संख्या। यही अगर 21 और 84 का देखिएगा तो इसका तो आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा एस सी एफ, क्योंकि देखिए ना 7 के टेबल में दोनों आ रहा है। 13 और 65 का एस सी एफ 13 हो जाएगा क्योंकि 13 के टेबल में दोनों आ रहा है। 15 और 20 का एस सी एफ 5 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों में आ रहा है, तो इसका एस सी एफ कितना 1 होगा 9 और 16 का, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सहभाज्य संख्या। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 13, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है, तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की जो संख्या होती है वह होती है 1। रैखिक बहुपद का ग्राफीय निरूपण कैसा होता है, तो एक सरल रेखा होता है, ठीक ना, एक सरल रेखा, रैखिक बहुपद का ग्राफीय निरूपण सरल रेखा होती है, उसमें शून्यकों की संख्या 1 होती है। वही द्विघात बहुपद में पूछा जाए तो उसके शून्यकों की संख्या 2 होती है और उसका ग्राफीय निरूपण जो होता है एक प्रबलय होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 14, अब यह है बहुपद एक्स माइनस 1 बराबर का शून्य क्या है, तो एक्स माइनस 1 का आपको शून्य, एक्स माइनस 1 का शून्यक निकालना है, शून्यक निकालने के क्या कर देंगे बराबर 0 कर देंगे, अभी एक्स इधर ही रहेगा 1 ऊपर उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो प्लस में चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गया 1, तो इस तरह से शून्य क्या हो गया आपका 1, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्य यदि माइनस 4 और 7 है तो द्विघात बहुपद होगा,
तो इसमें आपको अल्फ़ा दिया गया है -4 और बीटा दे दिया गया है 7। आपको निकालना लिखना क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इस तरह से हमको क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यक होता है, तो दो शून्यक यहाँ पर मान लीजिए, वो के अल्फा है वो के बीटा। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा, तो ये दोनों है। तो अल्फा प्लस बीटा, यदि अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ते हैं तो -4 + 7 = 3, और यदि गुना कर देते हैं -4 × 7 तो कितना हो जाएगा -28। और उसके बाद इस पर बैठा दिया जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या है 3, तो 3x प्लस अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा कितना है -28, तो ये हो जाएगा -28। तो इस तरह से आपका जो द्विघात बहुपद है वह हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x - 28। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा 15 का, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल। ऑलरेडी अब हमको शून्यकों का योग और गुणनफल के रूप में दे दिया गया, 5 और 6 है, द्विघात बहुपद क्या होगा। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला पर लगा देंगे, ये क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, और योग कितना है 5, तो 5x प्लस अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल कितना है 6 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऑप्शन नंबर बी में है, इससे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो देखिए अल्फा और प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर, अब हम निकालेंगे नहीं, ऐसा नहीं जो अल्फा बीटा निकालेंगे फिर उसको गुना करके, इसका एक फॉर्मूला होता है उसका प्रयोग करिएगा, ठीक ना। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो आपसे पूछा जा रहा है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, और c/a तो c का मतलब होता है अचर पद। देखिए इसमें अचर पद क्या है, तो प्लस 8 जो है अचर पद है, तो 8/a, a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर मतलब कि वाई के स्क्वायर का गुणांक, तो वाई स्क्वायर गुणांक क्या है यहाँ पर वाई स्क्वायर का कुछ नहीं मतलब 1 है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका आंसर। तो 8 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 17 का, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में देखते हैं, आपको बहुपद दिया गया है, बहुपद आपको दिया गया है 3x² fx बराबर दिया गया है 3x² - 7x + 2, और इसमें x के जगह पर क्या डालना है -1 डाल करके वैल्यू निकालना है, मतलब f - 1 हो जाएगा 3 - 1 का² - 7 × -1 + 2। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 1 × 3 क्या हो जाएगा 3, और ये माइनस माइनस +7 और ये हो जाएगा +2, तो ये हो जाएगा 7 × 3 = 10 = 12 हो जाएगा मतलब 12 हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी, तो इस तरह से 18 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होगा, तो फिर शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर 0 दे देंगे, एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3, तो x का जब उधर स्क्वायर जाएगा तो प्लस माइनस के साथ रूट ले जाएगा 3, तो x की वैल्यू हो गया +√3, तो ये +√3 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 का बी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कहता है कि 6x - 2y = 0, 10x + 2y = 32 का हल क्या होगा। तो ये आपका है 6x - 2y = 0, और ये है आपका 10x प्लस
2y बराबर 32। आपको इसका निकालना है आंसर। तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि ये 2y माइनस में है एक, और 2y एक कुछ में है प्लस में है, 2y माइनस में है, ये देखिए ये 2y कुंजी में है माइनस में, ये 2y प्लस में, ये 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x और 10x कितना हो जाएगा 16x बराबर, इधर आपका जब 32 में 0 रहेगा तो 32 ही रहेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16 से 2 जाकर जाएगा तो x की वैल्यू कितना हो गया 2, तो x की वैल्यू आ गया 2। अब x की वैल्यू जब 2 आ गया तो y की वैल्यू निकालना है, तो हम x की वैल्यू समीकरण 1 या 2 में डाल देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो अगर हम x की वैल्यू समीकरण 1 में मान लीजिए डालते हैं तो 6x है, तो 6 × 2, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2y बराबर हो जाएगा 12, तो 2 6 जहाँ में कट जाएगा तो y की वैल्यू 6, मतलब कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6। ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आंसर हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में कहा जा रहा है कि यदि 4x प्लस py बराबर 6 और 12x प्लस 9y बराबर 15 समांतर है। देखिए तीन चीज़ें होती हैं, यदि a1 बटा में a2 बराबर नॉट b1 बटा में b2, तो ऐसे में हो जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्या हो जाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। यदि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नॉट c1 बटा में c2, तो ऐसे में होती है समांतर रेखा। और यदि तीनों बराबर हो जाए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा c2, तो ऐसे में हो जाता है संपाती रेखा, मतलब एक ही रेखा के ऊपर दो रेखाएं। तो इस तरह से जो प्रतिच्छेदी रेखा होगा ये फर्स्ट वाला, इसका होता है एक हल, और ये जो होता है इसका हो जाता है कोई हल नहीं, और इसका हो जाता है अनंत हल। तो अब देखते हैं, हमसे पूछा गया है समांतर, तो समांतर है इसका मतलब क्या होगा कि a1 बटा में a2 बराबर होगा b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटा c2। तो a1 मतलब x का गुणांक, b1 y का गुणांक, अचर बस c कहलाता है। तो यहाँ पर हम दो ही स्टेप लेते हैं, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा b2, तो a1 कितना हो जाएगा 4 बटा में a2, यहाँ इसमें से लेते x का गुणांक 12 बराबर, y का गुणांक इसमें क्या है p, और इसमें y का गुणांक कितना है 9, तो ये क्या हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, 1 से कट जाएगा। अब यहाँ पर यदि ऐसे करते हैं तो 3p बराबर हो जाएगा 9 क्रॉस गुना करने पर, तो p की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 3 9, तो p की वैल्यू हो जाएगा 3। तो इस तरह से p का वैल्यू क्या हो गया 3, इसका ऑप्शन नीचे है, तो नीचे देख लेते हैं p की वैल्यू 3, तो इस तरह से p का वैल्यू 3 ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि फिर आपको दो समीकरण दिया गया है, और इसमें कह रहे हैं अनगिनत अनेक हल हैं। अनगिनत हल के लिए हम क्या बताए थे कि तीनों बराबर होगा और संपाती रेखा होगा, मतलब a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो इसमें से a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लेते हैं। इसमें a1 x का गुणांक 1 है, इस बटा में a2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर इसमें b1 कितना है 2 बटा में इसके b2 क्या है k, बराबर इधर है क्या आपको इधर ले जाएगा c को, तो -3 और -15, तो ये 3 से कैसे कटेगा 5 जामे, तो 1/5, देखिए ये भी 1/5 ये भी 1/5, तो इसको भी कर दीजिए 1/5, तो 1/5 मतलब 5 गुना, तो 2 का 5 गुना इसको कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 × 10, या फिर आप 3 गुना करके कर लीजिए तो k की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में आपको कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण है,
इधर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, इधर एक्स एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। तो ये है आपका, इस तरह से इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो x प्लस टू और x माइनस टू, ए प्लस बी इंटू एक्स बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर अगर हम इसको करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा फोर। तो इधर का ये इतना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और इधर है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स क्यूब। इस हिसाब से ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर से कट जाएगा तब फोर एक्स क्यूब वाला बचेगा, तो ये तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है आपका द्विघात समीकरण नहीं है। आगे चलते हैं, इसको अगर हम सोल्व करते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो प्लस टू ए बी तो फोर एक्स हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर फोर हो जाएगा, बराबर में इधर करते हैं तो थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व। तो इस तरह से अब देखिए, अगर हम इसको इधर भी लाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एट बराबर जीरो। तो इस तरह से देखिए द्विघात समीकरण है। तो आपसे पूछा रहा है द्विघात समीकरण कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका द्विघात समीकरण है। तो ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में कहता है आपको, समीकरण दिया है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर जीरो के मूल है। तो मूल बराबर फार्मूला होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी मतलब विवेचक, और विवेचक का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटा में टू ए। अब इसमें से वैल्यू डाल दीजिए, देखिए इसमें ए के जगह पर क्या दिया गया है पी, और बी के जगह पर क्यू, और सी के जगह पर आर। तो माइनस बी मतलब कि माइनस क्यू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब कि क्यू स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो फोर पी आर बटा में टू ए, तो टू पी हो गया बटा में टू पी सबका है, यहाँ देख लीजिए। और ये माइनस क्यू, ये ऑप्शन नंबर बी है सर, माइनस क्यू देख लीजिए है, और प्लस माइनस भी है, रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी आर बटा में टू आर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में कहता है कि द्विघात समीकरण सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन बराबर जीरो के मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम विवेचक ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, विवेचक या विविक्तर, या इसी को डी से सूचित करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यदि डी का वैल्यू जो है वह ग्रेटर देन इक्वल जीरो हो जाता है, मतलब जीरो से बड़ा या बराबर, तो मूलों की प्रकृति जो होती है वह होगा, मूल को अस्तित्व होता है, मूलों का अस्तित्व होता है, लेकिन यदि डी जीरो से बड़ा है तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, और यदि डी जीरो के बराबर आ जाता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। तब हम देखेंगे कि कैसा हो रहा है, इससे पहले देखते हैं। तो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर तो बी के जगह पर क्या है सिक्स, सिक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस फोर, ए के जगह पर कितना है आपका सिक्स, सी के जगह पर कितना है वन, ये हो जाएगा 36 माइनस ये हो जाएगा 6 4 24, और ये बचेगा कितना 12। तो इस आधार से 12 बचा जो कि धनात्मक है, जीरो से बड़ा है, इसका मतलब मूल वास्तविक और क्या हो जाएंगे भिन्न हो जाएंगे, वास्तविक और असमान ही क्या कहलाता है भिन्न कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो विवेचक का वैल्यू यदि डी से ग्रेटर देन जीरो या इक्वल हो जाता है तो मूलों का अस्तित्व होता है, और यदि डी जीरो से बड़ा है तो मूल कैसा होंगे वास्तविक और भिन्न, और डी जीरो आ जाएगा विवेचक तो वह मूल वास्तविक और क्या हो जाएंगे समान या बराबर हो जाएंगे। तो ये रहा आज का 25 क्वेश्चन का सीरीज। अगले वीडियो में फिर 25 आएगा, और चार वीडियो में इसको 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया जाएगा, और बहुत जल्द ही इसको एक दिन में पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और अभी तक चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आपको अच्छा लगा हो, ये फेसबुक लगा हो, तो लाइक ज़रूर करें। और हमने आपको क्वेश्चन एक बीच में पूछा था जो छोड़ दिए थे, वो क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।